नमस्कार साथियों, यूएई दुबई से रिलेटेड बात करेंगे। भाई यूएई ने, आपको पता है, फ्लाइटें 100% फ्लाइटें ओपन हैं दुबई की तरफ से, तो बाकी दूसरी कंट्रियों की तरफ से नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते यूएई से रिलेटेड। तो आपको पता है यूएई में कोरोना अपडेट बहुत इतना सा रह गया, इतना सा समझ लीजिए, और इतने से को भी ख़त्म करने के लिए, या फिर हो सकता है इतना सा वापस इतना ना हो जाए, समझ रहे हो बात को। उसके लिए जो विदेशों से लोग आ रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो तय बात है कि भाई दुबई में अगर 90% कोरोना ख़त्म हो गया, 10% बचा है जो ख़त्म हो जाएगा, अगर उसके बाद बढ़ता है तो जो विदेशों से लोग आने वाले हैं उसी से बढ़ेगा, और हर कंट्री में आपको पता है जो विदेशी जो यात्रा करके आए थे उसी से बढ़ा था। तो इसी को दुबई यूएई सरकार ने पहले से ही रोकथाम करने के उद्देश्य से, बता दूं, 1 अगस्त से ये घोषणा की है कि भाई 1 अगस्त के बाद में जितने भी पैसेंजर इनबाउंड होंगे यानी दुबई यूएई पहुंचेंगे, सबका COVID-19 निगेटिव रिपोर्ट 100% होना जरूरी है। जी हाँ, रिपोर्ट उन्होंने मांग ली है। अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं होगी तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो डिटेल से मैं बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यूएई ने घोषणा कर दी है कि साथियों की हमारी यूएई में जो इनबाउंड होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हैं, यूएसए, यूके या अन्य एशियाई कंट्रियों से, जो भी जितने भी पॉपुलेशन है, चाहे विजिट वीज़ा हो, चाहे परमिट हो, चाहे आपका रेजिडेंशियल वीज़ा, कोई भी तरह का वीज़ा कैसे भी हो, जो बंदा यूएई की धरती पे उतरेगा उनके पास COVID-19 नेगेटिव का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जी हाँ, ये एयरलाइंस को भी बाकायदा नोटिफिकेशन दे दिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी नोटिफिकेशन दे दिया गया है, और ये बता दूं 1 अगस्त से पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। जी हाँ, नेशनल क्राइसिस एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी और विदेश मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय एक संयुक्त रूप से बयान जारी करके ये घोषणा की है कि किसी भी यूरोपीय देशों से, यूके से, यूरोपीय संघ के देशों से, यूके के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के देशों से आने वाले यात्रियों के लिए PCR परीक्षण की आवश्यकता 100% पड़ेगी। जी हाँ, इसके सीधा सा एग्जाम्पल आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरोना बीमारी को नियंत्रण करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। हाँ, इसमें एक बात अच्छी है कि भाई 12 साल से कम जो बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको इस परीक्षण से मुक्त रखा गया है। इनके बारे में ये बताया गया है भाई 96 यानी ओवर्स यानी 96 घंटे तक की अगर इनके पास निगेटिव की रिपोर्ट है तो इनका ऑन द स्पॉट एयरपोर्ट पे प्रमाण पत्र की या फिर परीक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बताया गया है साथियों की, बता दूं, 72 घंटे पहले का आपके पास COVID-19 प्रमाण पत्र होना जरूरी है। 24 जुलाई से शुरू होने वाले नियम का ये पालन 24 जुलाई से मान लीजिए शुरू हो चुका है। जी हाँ, हालांकि ये नियम तो पहले से ही था भाई, मैंने अपडेट नया आया है, आज 23 जुलाई का अपडेट है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।